हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना अर्पित करतो. आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले ज्यांचं नेतृत्व संपूर्ण विश्वाने स्वीकारलं आणि आज जगातले सर्वात जास्त जनप्रिय नेते म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी. खरं म्हणजे आमच्या भगिनींकरता मोदीजी आले, मला त्यांना सांगितलं पाहिजे की परवा रात्रभर प्रवास करून सकाळी 3 वाजता मोदीजी रशियाहून उतरले, मग बंगलोरला गेले, दिवसभर तिथले कार्यक्रम केले, रात्रभर इस्रोला त्या ठिकाणी थांबले, पुन्हा सकाळी इस्रोला गेले आणि त्या ठिकाणून इथे आता आपल्या कार्यक्रमाकरता आले. आमच्या भगिनींना भेटण्याकरता 2 रात्र न झोपता मोदीजी आज आपल्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंचावर उपस्थित सन्माननीय पियुष गोयलजी, रावसाहेब दानवेजी, हरिभाऊ बागडेजी, सुभाष देसाईजी, पंकजाते मुंडे, एकनाथजी शिंदे, दादाजी भुसे, अतुलजी सावे, आमचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, ज्योतिताई ठाकरे, अतुलजी सावे, असीमजी गुप्ता, श्रीमती आर विमला, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा कार्यक्रम हा आपल्या सगळ्यांकरता अत्यंत आनंदाचा कार्यक्रम आहे. एकीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या माता भगिनी माननीय मोदीजींना ऐकण्याकरता या ठिकाणी आले आहेत आणि दुसरीकडे मराठवाड्याच्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस हा औद्योगिक क्रांतीचा दिवस म्हणून नोंदला जाईल, कारण देशातली पहिली इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी, स्मार्ट सिटी ऑरिक याचं राष्ट्राला लोकार्पण आदरणीय मोदीजी करतायत. मोदीजींनी मागच्या काळामध्ये, मागच्या त्यांच्या रेजिममध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी याला उपलब्ध करून दिला आणि मी सुभाष देसाईजींचे आणि आमच्या उद्योग विभागाचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की अत्यंत वेगाने या ठिकाणी हे काम पूर्ण करत आज याचा पहिला टप्पा आणि ऑरिक हॉलचं लोकार्पण आपण करतोय. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये जो तोहफा हमारे मराठवाड़ा को, इस औरंगाबाद शहर को, इस हमारे औरंगाबाद और जालना के परिसर को दिया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं यहां से हमारा समृद्धि महामार्ग भी जा रहा है और समृद्धि महामार्ग के कारण यहां से जेएनपीटी का पोर्ट ये केवल 4 घंटे की दूरी पर अब होगा और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का इंडस्ट्री का मैग्नेट अगर कहीं होगा तो औरंगाबाद और जालना में होगा, इस ऑरिक में होगा. ये बहुत बड़ी सौगात आज आपने महाराष्ट्र को डीएमआईसी के माध्यम से दी है. अभी इंडस्ट्रीज का आना शुरू हुआ है. अभी कल परसों आप ही ने यूएई के साथ जो एक समझौता किया उसमें एमआर ये कंपनी अब औरंगाबाद में आने के लिए लालयित है, उन्होंने हमको यहां पर जगह मार्ग मांगी है. रशियन कंपनी भी यहां पर आना चाहती है और बड़े पैमाने पर यहां पर हमारे सामने लोग आना चाहते हैं. मेरा विश्वास है ये जो औरंगाबाद है, ये यहां के जो हमारे उद्यमी है, ये सारे उद्यमी इतना अच्छा काम करते हैं, यहां का जो ऑटो क्लस्टर है देश के सर्वोत्तम ऑटो क्लस्टर में जिसकी गिनती हो सकती है, इस प्रकार का ऑटो क्लस्टर हमारे औरंगाबाद के उद्यमियों ने यहां तैयार किया है. ये सारे बड़े एनर्जेटिक लोग हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम यहां पर होता हुआ हमको दिखाई देगा. मैं दूसरा निवेदन आपसे करना चाहता हूं. आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मागच्या 5 वर्षापैकी 4 वर्ष आमच्या मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ आहे. 5 साल में से 4 साल मराठवाड़ा में अकाल है और लगातार ये मराठवाड़ा अकाल की चपेट में, हमारा किसान और किसानों के कारण पूरा का पूरा मराठवाड़ा इस अकाल से लगातार प्रताड़ित होता है. माननीय प्रधानमंत्री जी, तुम्ही हे सांगितलं, आपण हे सांगितलं की आता पुढचे 5 वर्ष
हे पाड़ा करता देचे, जल के लिए, जल ही कल है। ये जो आपने हमको बताया इसके आधार पर पिछले 5 वर्षों में जलयुक्त शिवार के माध्यम से हमने महाराष्ट्र में जल संधारण किया, लेकिन अब आपसे प्रेरणा पाकर जिस प्रकार से आपने नर्मदा का पानी कच्छ के रणों तक ले जाकर वहां पर रेगिस्तान में भी पानी दिया, अब हमने तय किया है आपके नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से इस मराठवाड़ा को दुष्काल मुक्त, अकाल मुक्त हम करेंगे। और कोकण में समुद्र में बहकर जाने वाला 167 टीएमसी पानी ये उठाकर हम लोग यहाँ पर हमारे मराठवाड़ा में गोदावरी के बेसिन में लाकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी देंगे। दूसरा, हमने एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर हाथ में लिया और महाराष्ट्र की पहली वाटर ग्रिड इस मराठवाड़ा में तैयार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मराठवाड़ा के सारे जो डैम्स है उसको लूप पद्धति से हम जोड़ रहे हैं और 64,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर उसमें से मराठवाड़ा के हर गांव में और हर शहर में हमारा फिल्ट्रेशन का पानी 365 दिन मिलेगा। इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इसमें औरंगाबाद और जालना के टेंडर भी हमने निकाल दिए और आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करके ये काम हम करेंगे। मला कोणीतरी विचारलं की आता तुम्ही कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात आणणार आहे, याला पैसा तर फार लागेल, बहुत पैसा इसको लगेगा, ये क्या मुमकिन है? मैंने कहा चिंता मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे पीछे मोदी जी है, हम ये करके दिखाएंगे इन 5 सालों में मराठवाड़ा को अकाल मुक्त करने का जो हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। आज माझ्या माता भगिनी या ठिकाणी आले आहेत आणि मी आमच्या माता भगिनींचं आणि विशेषतः पंकजाताई आणि आमच्या ग्राम विकास विभागाचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की या ठिकाणी ज्या प्रकारे आमच्या या बचत गटाची चळवळ महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी उभी केली। 2014 में जिस समय हम सत्ता में आए थे केवल 3 लाख परिवार बचत गटों से जुड़े थे, आज 50 लाख परिवार बचत गटों से जुड़े, गेल्या 5 वर्षांमध्ये 50 लाख परिवार बचत गटाशी जोडले गेले आहेत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, या आमच्या महिलांना बचत गटांना उद्योजक बनवण्याकरता आम्ही नवीन योजना आणली आणि याच्यामध्ये 50 इंडस्ट्रियल पार्क आम्ही तयार करतोय आणि या पार्क मध्ये 30% जागा या महिला उद्योजकांकरता आणि बचत गटाच्या उद्योजकांकरता त्या ठिकाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आपण घेतला आणि 300 कोटी रुपये हे त्याकरता देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। वेगवेगळ्या योजना तर पंकजाताईंनी सांगितल्या आहेत, मी त्या घेऊन या ठिकाणी वेळ वाया घालवणार नाही, पण एक गोष्ट माननीय पंतप्रधान महोदयांना मला सांगितली पाहिजे की आमच्या महिला बचत गटांना दिलेला एक एक पैसा या ठिकाणी परत येतो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में कई बार उद्योगों को हम पैसा देते, हमारे अलग अलग कॉपरेटिव्स को हम पैसा देते, कभी वापिस आता है कभी नहीं आता, लेकिन हमारी महिला बचत गटों को जितना कर्जा दिया 99.9% ने 100% पैसा ये हमारे बचत गटों ने वापिस किया, एक नया पैसा हमारी महिलाओं ने डुबाया नहीं। और इसीलिए हमने निर्णय किया कि इनको बिना ब्याज का कुठलेही व्याज न घेता महिला बचत गटाला त्या ठिकाणी कर्ज द्यायचं, त्यांच्या करता महालक्ष्मी सरस सारखी प्रदर्शन असेल, महिला बचत गट मॉल असतील, अशा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आमच्या महिलांना सक्षम करायचं। कारण महिलांकडे जर 2 पैसे आले तर त्या घरी नेतात, आमच्या पुरुषांकडे पैसे आले तर ते कुठल्या चैनीवर उडवतील याचा भरोसा नाही आहे, पण महिलांकडे पैसा गेला तर तो घरीच जातो, मुलांवरच खर्च होतो, शिक्षणावर खाण्यावरच खर्च होतो। आणि म्हणून ही एक मोठी चळवळ जी आपण उभारली आहे, मी खरोखर आमच्या सगळ्या माता भगिनींचे आभार मानतो। अजून एका गोष्टी करता आमच्या माता भगिनींचे आभार मानतो की या वर्षी राखीला प्रधानमंत्री जी या हमारी महाराष्ट्र की सभी बहनों ने 25 लाख राखिया मुझे इस रक्षाबंधन पर भेजी, तब ये सारी मेरी बहनें हैं और इनके लिए काम करना ये मेरा कर्तव्य है और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से और आपके नेतृत्व में इनके लिए कार्य हम करते ही रहेंगे। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत इस मराठवाड़ा की धरती पर करता हूं
और आने वाले दिनों में मराठवाड़ा को बदलने का काम हम करेंगे, इस विश्वास के साथ। मैं एक बड़ी भूल कर गया, मैंने जब संबोधन किया तो माननीय राज्यपाल जी का ही नाम लेना मैं भूल गया, मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। फिर एक बार उनको भी वंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।